हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का नेम है डेथ सेट्स ए थिंग सिग्निफिकेंट। ये जो पोएम है इसे एमिली डिकिंसन ने लिखा है। ये पोएम बहुत ही बढ़िया होने के साथ साथ एक इमोशनल पोएम है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। डेथ सेट्स ए थिंग सिग्निफिकेंट द आई हैड हरिड बाय Accept a perished creature and treat us tenderly. To ponder little workmanship in crayon or in wool, with this was last her finger did industrial until the thimble weighed too heavy. The stitches stopped themselves and it was put among the dust upon the closest shelf. A book I have, a friend gave, which pencil where and there and notched the place that pleased him, at rest his finger are. Now when I read not, for interpreting tears obliterate the itching too costly for repairs. पोएटिस ने यहाँ पर फर्स्ट स्टंजा में ही इस पोएम के थीम के बारे में हमें बता दिया है। डेथ सेट्स ए थिंग सिग्निफिकेंट, यानी डेथ जो है वो कुछ चीज़ों को सिग्निफिकेंट बना देता है। सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण बना देता है। हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे जिसे हम प्यार करते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। कुछ दोस्तों के साथ जुड़ा होता है तो कुछ माता पिता के साथ जुड़ा होता है। तो बहुत सारे लोग हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं लेकिन उन चीज़ों का जो वैल्यू है हमें उस वक्त पता नहीं चलता, क्योंकि उस वक्त वो लोग भी हमारे साथ होते हैं। लेकिन वो लोग जब हमारे साथ छोड़कर चले जाते हैं तभी उन चीज़ों का जो रियल वैल्यू है वो पता चलता है, क्योंकि उन चीज़ों के साथ उन लोगों का जो थॉट्स है, उनका जो फीलिंग्स है, उनका जो इमोशन है वो भी उस चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए पोएटस यहाँ पर ये बता रहे हैं कि डेथ सेट्स ए थिंग सिग्निफिकेंट। सेकेंड स्टैंजा में पोएटस ने ये बताया है कि उनके जाने के बाद ही उनके दिए गए जो चीज़ें होती है उनका वैल्यू पता चलता है, यानी वो चीज़ें सिग्निफिकेंट बन जाता है, क्योंकि वो जो चीज़ें होते हैं वो उनका दिया हुआ आखिरी चीज़ें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पोएटस ने अपना एक दोस्त खोने के बाद ये रियलाइज कर रहे हैं कि उनके दोस्तों के द्वारा जो सामान उन्हें मिला है उनका वैल्यू अब बढ़ चुका है, यानी वो चीज़ें अब सिग्निफिकेंट बन गया है। क्यों सिग्निफिकेंट बन गया है वो आगे डिस्कस करेंगे। इन क्रेयॉन्स और इन वूल विथ दिस वॉच लास्ट हर फिंगर डिड इंडस्ट्रियस ऑनटिल द थिम्बल वेट टू हैवी द स्टीचेस स्टॉप्ड देमसेल्फ एंड दैट इट वॉज पुट अमॉन्ग द डॉस्ट अपॉन द क्लोजेस्ट सेल्फ। तो यहाँ पर पोएटस ये बता रहे हैं कि जो चीज़ें हमें मिलता है दोस्तों की तरफ से उनके जाने के बाद वो चीज़ें उनका दिया हुआ आखिरी चीज़ें बन जाता है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने और कोई दूसरा काम किया ही नहीं। वो जो चीज़ें हैं उनके द्वारा बनाया गया वो आखिरी चीज़ें हैं। तो इसीलिए उन चीज़ों का वैल्यू इतना बढ़ जाता है और वो चीज़ें बहुत ही सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। पोएटस ने आगे ये भी बताया है द थिम्बल वेट टू हैवी, वो चीज़ें चाहे क्रेयॉन्स के बने हो या फिर ऊल से बना हो, यानी जो ऊल का मतलब जो कपड़े के काम होते हैं, ठीक है, तो थिम्बल वेट टू हैवी। यहाँ पर थिम्बल का मतलब है कपड़े के काम करते वक्त हाथ में एक कवर पहनते हैं ताकि हाथ में कोई नुकीला चीज़ें ना लग जाए, ठीक है, तो इसे थिम्बल कहा गया है। द थिम्बल वेट टू हैवी, तो वो काम करते वक्त थिम्बल का वजन इतना भारी हो गया कि काम करते वक्त उसका हाथ वहीं पर रुक गया, यानी ये डेथ को सिंबलाइज कर रहा है। यानी वो काम कर रहा था और उसी बीच उसका डेथ हुआ, तो ये जो काम था ये उसका आखिरी काम था। यानी वो जो चीज़ें मुझे मिला है मेरे दोस्तों से, जो चीज़ें मुझे मिला है वो उनके दिए हुए आखिरी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड दैट इट वॉज पुट अमॉन्ग द डॉस्ट अपॉन द क्लोजेस्ट सेल्फ। उसके बाद क्या होता है, दोस्तों से हमें सामान मिल जाता है, कुछ चीज़ें मिल जाता है जो कि हमारे लिए उस वक्त इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम पुट अमॉन्ग द क्लोजेस्ट सेल्फ, यानी कि धूल मिट्टी के साथ साथ हमें वो उस चीज़ों को उस क्लोजेस्ट में रख देते हैं, यानी वो जो अलमीरा होता है वहाँ पर फेंक देते हैं उन डस्ट के बीच में। पोएटस अपने दोस्त को याद करते हुए और एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर। ए बुक आई हैव, ए फ्रेंड गिव, हुज पेंसिल हियर एंड देयर हैड नॉट द प्लेस दैट प्लीस्ड हिम, एट रेस्ट हिज फिंगर आर। तो यहाँ पर पोएटस एक चीज़ बता रहे हैं, एक बुक मिला था उन्हें
अपने एक दोस्त की तरफ से। तो उस बुक में क्या है, उस बुक में चारों तरफ स्क्रैचेस हैं पेंसिल के, उस बुक में पेंसिल के स्क्रैचेस हैं इधर उधर, और जगह जगह फाड़ा हुआ है, मतलब जगह जगह पे कटा हुआ ऐसे सिंबल है और पेज को ऐसे काट दिया गया है। तो पोएटस उसे क्या बता रहे हैं, हैड नॉच द प्लेस दैट प्लीज्ड हिम, तो उस जगह जो कटा हुआ है तो मेरे दोस्त को उस जगह पसंद था, इसीलिए उसने उस जगह को ऐसे काट दिया है, ऐसे बता रहे हैं। तो आगे क्या बता रहे हैं, नाउ व्हेन आई रीड नॉट फॉर इंटरप्टिंग टीयर्स ऑब्लिटरेट द एचिंग टू कॉस्टली फॉर रिपेयर। तो वो जो बुक है, शायद उस समय ये बुक इतना सिग्निफिकेंट नहीं था, लेकिन आज जब वो दोस्त अपने पास नहीं है, उस दोस्त का डेथ हो चुका है, तो ये बुक अब सिग्निफिकेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो स्क्रैचेस हैं, वहाँ पर जो नॉच के मार्क्स हैं, वो अब वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो दोस्त अभी उनके पास नहीं है। तो इसीलिए ये बुक आज उनके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट बन गया है। और पोएटस आगे ये भी बता रहे हैं कि वो इस बुक को पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि शायद अगर वो बुक पढ़ेंगे तो उनका जो आंसू है वो पेज पर गिर जाएगा, और उस पेज पर जो पेंसिल के मार्क्स हैं और जो स्क्रैचेस हैं उन्हें शायद खराब कर देगा, और वो जो स्क्रैचेस मार्क हैं वो अगर एक बार खराब हो जाए तो उसे रिपेयर करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बुक है। क्योंकि अब वो दोस्त भी नहीं रहा, और वो उस बुक में जो मार्क्स हैं स्क्रैचेस हैं वो अगर मिट जाता है तो वो वापस पाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर बहुत ही इमोशनल एंड है इस पोएम का। पोएटस ये बता रहे हैं कि दोस्तों के जाने के बाद उनके दिए हुए हर एक छोटी सी छोटी चीजें हमारे लिए सिग्निफिकेंट बन जाता है, क्योंकि उन चीजों के साथ उनका यादें जुड़ा हुआ होता है। तो पोएटस भी सेम चीज यहाँ पर फील कर रहे हैं, सेम चीज यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो बुक पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि शायद अगर वो बुक पढ़ेंगे तो दोस्तों उन्हें उनका दोस्त याद आएगा, और दोस्तों दोस्त का अगर याद आएगा तो उनका आंसू उस पेज पर गिरेगा, बुक पर गिरेगा, और उस बुक में जो स्क्रैचेस मार्क हैं उन्हें वो शायद खराब हो जाएगा उनके आंसू की वजह से। ये था आज का पोएम डेथ सेट से थिंग्स सिग्निफिकेंट, जिसे एमिली डिकिंसन ने लिखा है। ये बहुत ही छोटा सा पोएम था, इसीलिए मैंने इसे इजी तरीके से समझा दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।